हेलो फ्रेंड्स, मैं ये भी आज मैं आपसे बात करूंगी रेखा जी के बारे में। रेखा गणेशन, जो कि रेखा के नाम से प्रख्यात है, बाईस फिल्मों की मशहूर अदाकारा है, जो कि मुख्यतः हिंदी फिल्मों में दिखाई देती है। हिंदी फिल्म की बेहतरीन अभिनेत्री माने जाने वाली रेखा ने अपने करियर की शुरुआत 1966 में बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम से की थी। मुख्य अभिनेत्री के तौर पर उनका डेब्यू 4 साल बाद फिल्म सावन भादो में हुआ था। वे अपने लुक्स को लेकर हमेशा चर्चा में रही है और 1970 तक आते थे वे अभिनेत्री के रूप में स्थापित हो गई। रेखा ने अपने 40 साल के लंबे करियर में लगभग 180 के ऊपर फिल्मों में काम किया है। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई दमदार रोल किए हैं और कई मजबूत फीमेल किरदार को पर्दे पर बेहतरीन तरीके से पेश किया है। और मुख्य धारा के सिनेमा के अलावा उन्होंने कई 8 फिल्मों में भी काम किया है, जिसे भारत में पैरेलल सिनेमा कहा जाता है। उन्होंने 3 बार फिल्मफेयर पुरस्कार मिल चुका है, 2 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का और 1 बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का, जिसमें उन्होंने क्रमशः खून भरी मांग, खूबसूरत और खिलाड़ी जैसे फिल्में शामिल है। उमराव जान के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिल चुका है। उनके करियर का ग्राफ कई बार नीचे गिरा, लेकिन उन्होंने अपनी को कई बार इससे उबारा और स्टेटस को बरकरार रखा। 2010 में उन्हें भारत सरकार की ओर से पद्मश्री सम्मान से भी नवाजा गया है। रेखा का जन्म चेन्नई के तमिल अभिनेता जेमिनी गणेशन और तेलुगु अभिनेत्री पुष्पावली के यहाँ हुआ था। उनके पिता अभिनेता के तौर पर काफी सफल हुए और रेखा भी उन्हीं के पद चिन्हों पर चली। वे तेलुगु को अपनी मातृभाषा मानती हैं। रेखा हिंदी, तमिल और इंग्लिश भी अच्छे से बोल लेती हैं। रेखा ने अभिनय के क्षेत्र में करियर में आने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी। उनकी इस लाइन में आने की कोई व्यक्तिगत इच्छा नहीं थी, लेकिन परिवार में आर्थिक समस्या होने की वजह से उन्होंने ये कदम उठाया। 1990 में दिल्ली कारोबारी मुकेश अग्रवाल से शादी भी कर ली उन्होंने। अफवाह ये भी उड़ी कि उन्होंने 1973 में अभिनेता विनोद मेहरा से शादी की, लेकिन 2004 में जब सिमी गिलेवार की इंटरव्यू में विनोद मेहरा के साथ शादी का खंडन किया और उन्हें अपना बेल विश्व बतलाया। वे बाल कलाकार के तौर पर तेलुगु फिल्म रंगुला रतलाम में दिखाई दी, जिनमें उनका नाम बेबी भानु रेखा बतलाया गया था। 1969 में हीरोइन के रूप में उन्होंने अपना डेब्यू सफल कन्नड़ फिल्म ऑपरेशन जैकपॉट नल्ली सी आईडी 999 से किया, जिसमें उनके हीरो राजकुमार थे। उसी साल उनकी पहली हिंदी फिल्म अनजाना सफर रिलीज हुई। फिल्म के एक किसिन सिंह के विवाद के चलते यह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। बाद में इस फिल्म को दो शिकारी के नाम से रिलीज किया गया। उनका अभिनय में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आर्थिक तंगी होने की वजह से उन्होंने यह किया। यह उनके जीवन का कठिन समय था। 1970 में उनकी 2 फिल्में रिलीज हुई, तेलुगु फिल्म अम्मा कोसम और हिंदी फिल्म सावन भादो, जो कि उनकी बॉलीवुड में अभिनेत्री के तौर पर डेब्यू फिल्म मानी जाती है। सावन भादो हिट रही और रेखा रातों रात स्टार बन गई। बाद में उन्होंने कई फिल्मों में रोल मिलने लगे, लेकिन वे एक ग्लैमरस गर्ल से ज्यादा कुछ नहीं थी। उस समय उन्होंने रामपुर का लक्ष्मण, कहानी किस्मत की, प्राण जाए पर वचन न जाए जैसे फिल्मों में भी काम किया। इन सब ने अच्छा कारोबार किया। उनकी पहली फिल्म जिसमें उनकी परफॉर्मेंस को सराहाया गया, वह थी अमिताभ बच्चन के साथ 2 अनजाने, जिसमें उन्होंने अमिताभ बच्चन की लालची बीबी का किरदार निभाया था। इस फिल्म को दर्शकों और आलोचकों की तरफ से ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला। फिल्म घर उनके करियर का टर्निंग पॉइंट रही। फिल्म में उनके अभिनय को आलोचकों और जनता दोनों ने काफी सराहा। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के तौर पर पहली बार फिल्मफेयर पुरस्कार से नामांकित किया गया। उसी साल आई फिल्म मुकद्दर का सिकंदर में वे एक बार फिर अमिताभ बच्चन के साथ दिखाई दी। यह फिल्म उस साल की बड़ी हिट रही और रेखा उस समय की सबसे सफल अभिनेत्रियों में शुमार हो गई। फिल्म की काफी तारीफ हुई और रेखा को सर्वश्रेष्ठ सह अभिनेत्री के तौर पर फिल्मफेयर पुरस्कार के लिए भी नामांकित किया गया। 1980 में वे कॉमेडी फिल्म खूबसूरत में दिखाई दी, जिसमें उनके निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी थे, जिनके साथ रेखा का बेटा बेटी का रिश्ता बन चुका था। यह फिल्म सफल हुई और रेखा को उनकी कॉमिक टाइमिंग के लिए सराहाया गया। इसे फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार मिला। साथ ही रेखा को पहली बार सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार भी मिला। इसके बाद से अग्रिम फिल्म निर्देशकों ने रेखा को और नोटिस किया और अपनी फिल्मों में उन्हें कास्ट करने की खासी रुचि दिखाई। उनकी अमिताभ बच्चन के साथ आई ज्यादातर फिल्में हिट हुई। उनका अमिताभ बच्चन के साथ अफेयर मीडिया में काफी चर्चा का विषय रहा, क्योंकि अमिताभ पहले से शादीशुदा थे। इसके बाद आई यश चोपड़ा के फिल्म सिलसिला में भी अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी के साथ दिखाई थी। फिल्म में रेखा ने अमिताभ की प्रेमिका की भूमिका निभाई, तो वहीं जया ने अमिताभ की पत्नी की भूमिका निभाई। इस दौरान उन्होंने अभी अपनी हिंदी को भी काफी सुधारा, जिसके लिए मीडिया ने उनकी काफी तारीफ की। 1981 में आई उनकी उमराव जान, यह फिल्म उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से एक रही। इस फिल्म के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार भी दिया गया। इसके बाद भी उनकी कई फिल्में आईं जो काफी हिट हुई।
1990 के दौरान रेखा की सफलता में गिरावट हुई। उन्होंने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जो कि खास कारोबार भी नहीं कर पाए और आलोचकों से भी अच्छी प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। इस दौरान श्रीदेवी और माधुरी दीक्षित जैसी अभिनेत्रियों में चर्चित हो गई थी। इसके बाद उन्होंने कामसूत्र और टेल ऑफ लव और खिलाड़ियों का खिलाड़ी जैसे फिल्मों में काम किया। खिलाड़ियों का खिलाड़ियों ने काफी अच्छा कारोबार किया और फिल्म उस साल की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्मों में एक रही। इस फिल्म में पहली बार रेखा ने मैडम माया का नेगेटिव किरदार निभाया। फिल्म में अक्षय कुमार और रवीना टंडन भी थे। 2000 आते आते उन्होंने फिल्म में कम कर दी और कुछ ही फिल्मों में दिखाई दी। इस दौरान वे फिल्म बुलंदी में दिखाई दी। 2001 में वे फिल्म लज्जा में दिखाई दी। फिर वे राकेश रोशन की फिल्म कोई मिल गया में ऋतिक की माँ के किरदार में पर्दे पर आई, तो वही फिल्म परिणीता में एक आइटम नंबर भी करती हुई नजर आई। सो अगेन, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर करें। अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। डिस्क्रिप्शन लिंक भी आप पेज के मुझसे फेसबुक के थ्रू भी जुड़ सकते हैं। और अगर आप चैनल में न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें।